हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फेयर एंड लवली फेस पैक। जी हाँ, इसमें मैंने यूज किए हैं सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स। ये एक मैजिकल फेस पैक है, अगर ना काम करे ना तो बोलिएगा जरूर, ठीक है। मैं आपको इसमें एक सिंपल टिप बताऊंगी, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। अब हम एक बाउल में 1 टीस्पून फेयर एंड लवली लेंगे। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट फेयर एंड लवली और ये लेमन यूज किया है। अब हमें एक बाउल लेना है। अब एक हम बाउल लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून फेयर एंड लवली क्रीम। ये फेयर एंड लवली क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगी और ये सभी कंट्रीज में अवेलेबल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस, इसकी डबल क्वांटिटी में। ये देखिए 1 टीस्पून। और एक चीज फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जब हम ये लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल पूरी तरह से फट जाएगा, जैसे कि दूध फट जाता है बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए अभी फटना शुरू हो गया है। ये देखिए, जैसे दूध फटता है बिल्कुल उसी प्रकार। इसको आपको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि ये पूरी तरह से, ये जो फट गया है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको थोड़ा मिक्स करते रहिए। इसमें एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट फेयरनेस पाने के लिए। आप अगर किसी पार्टी में जाना चाहते हैं या आपको अर्जेंट किसी फंक्शन में जाना है, जैसे कि कॉलेज गर्ल्स होती है उनको अर्जेंटली किसी फ्रेशर्स पार्टी में जाना होता है या उनको अचानक से कोई फंक्शंस में जाना होता है, तो ये एक ब्लीच की तरह काम करता है। अगर आपके पास ब्लीच ना हो तो ये बहुत ही किफ़ायती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे सचमुच इंस्टेंट ग्लो आता है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये देखिए, मैं आपको इधर अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसे आपको अप्लाई करने के लिए 5 मिनट तक ऐसे मसाज करना है और इसे आपको लगाकर छोड़ना है। 15 मिनट के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है, तब तक कि ये सूख जाएगा। ये एक ऐसा फेस पैक है जो आप कभी भी किसी भी वक्त लगा सकते हैं और आपको ये सचमुच एक इंस्टेंट ग्लो देता है। एक ऐसा ग्लो जो आपको एक ब्लीच के थ्रू मिलता है, वो ग्लो आपको ये फेस पैक देता है। अब देखिए, ये इस तरह से सूख जाएगा। उसके बाद आपको इसे ना, पहले आपको इसे इसको ऐसे पानी से नहीं धोना है, पहले आप एक सूखा कपड़ा लीजिए, उससे आप पहले इसे पोंछ लीजिए। ये देखिए, आपको पहले इसे ऐसे रिमूव करना है। वापस 5 मिनट तक छोड़िए और 5 मिनट बाद आप अपने किसी भी फेस वॉश से अपना फेस धो लीजिए। फ्रेंड्स, और एक टिप है कि ये लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएं उसके बाद ही अप्लाई करें, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा इंस्टेंट ग्लो आएगा। ये देखिए, अब मैंने इसको वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं कि कैसा ग्लो आ रहा है। मेरे आप दोनों हैंड्स के इसमें फर्क देख सकते होंगे। ये देखिए, इसके रिजल्ट्स रियली अमेजिंग है। सो फ्रेंड्स, डू ट्राई दिस रेमेडी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज इसको जरूर ट्राई करना और मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।